अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों आज हम कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज 7 दिसंबर है और आज से इंडिया फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्करों की वापसी का जो सिलसिला है वो कुवैत में शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि भाई जो कुवैत हुकूमत की तरफ से लिंक दिया गया है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई ये जो लिंक दिया गया है इस पर हमको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर हमारे कफील को करना होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक कोई तो हुकूमत की तरफ से जितनी भी अपडेट आई हैं उसमें बताया यही गया है कि आपके कफील को जो है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके कफील को करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके कफील को जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और साथ में टिकट का जो पैसा है वो भी आपके कफील को अदा करना पड़ेगा, तभी आपकी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको अपडेट कर चुका हूँ कि कोतियों से 2 किस्त में पैसे जो हैं वो लिए जाएंगे। आपने मेरे चैनल पर देखा होगा और लोगों के चैनल पर भी शायद देखा होगा कि 2 किस्तों में पैसे जो है वो कोतियों से लिए जाएंगे। 1 किस्त पैसा जो लिया जाएगा वो होगा टिकट का और दूसरा किस्त जब लिया जाएगा जब कोती का जो डोमेस्टिक वर्कर होगा जब वो वापसी करने लगेगा, जब उसका टिकट कन्फर्म हो जाएगा और वो आने लगेगा तो दूसरी किस्त लिया जाएगा कुवैत के अंदर क्वारंटाइन का, PCR टेस्ट का और खाने पीने का। ठीक है, तो 2 किस्तों में जो पैसे हैं वो लिए जाएंगे और साथ में ये भी कहा गया था कि कुवैती शहरी को जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक वर्कर के लिए। तो एक बार आप जो है वो कन्फ्यूज न रहें, एक बार आप जो है अपने कफील या अपने इन्फ्लुएंसर से बातचीत कर लें क्योंकि वो बेहतर तरीके से आपको हैंडल कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि कफील अगर आपका रजिस्ट्रेशन करता है तो आपका जो वापसी का सिलसिला है वो जल्दी शुरू हो सकता है, जबकि अगर आप करते हैं तो हो सकता है लेट लपेट भी हो जाए। तो कोशिश करें कि अपने कफील या अपने जो आपका इन्फ्लुएंसर है उससे रजिस्ट्रेशन करवाएँ ताकि आपका जो वापसी का सिलसिला है वो जल्द से जल्द कुवैत में हो सके। तो बाकी कोई और अपडेट आती निकल कर तो हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप अपने कफील को ये लिंक जो है वो दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप कर और जो भी प्रोसेस हो वो आप हमें बता दें ताकि हम उसी हिसाब से कुवैत में एंट्री करने की जो अपनी कार्रवाई है वो शुरू कर सकें। तो आप लोग जो है वो कोशिश करें अपने कफील या इन्फ्लुएंसर से पहले बातचीत करें, उसके बाद आप कुवैत में एंट्री करने की जो कोशिश हैं वो करें ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन न रहे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपके कफील को करना है और कफील को भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप भी कुवैत में एंट्री कर सकें और आपकी जो वापसी का सिलसिला है वो भी शुरू हो सके। तो आप तमाम लोग जो है अपने कफील या कंपनी से एक बार अपने कफील या इन्फ्लुएंसर से एक बार जो है वो संपर्क जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तरह के अपना ख्याल होकर खुदा हाफिज़।